हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ की संस्कृत का चैप्टर 18। चैप्टर 18 का ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट आपका मिल चुका होगा और ये पार्ट 2। अष्टादश पाठः सुभाषितानि, सुभाषितानि के श्लोक होते हैं। तो पार्ट 1 में हमने 4 श्लोक पढ़ लिए थे और उनका मीनिंग समझ लिया था, उनका अर्थ अनुवाद समझ लिया था। अब हम इसमें पढ़ेंगे श्लोक नंबर 5 से, पांचवें श्लोक से पढ़ना शुरू करते हैं। पेज नंबर 76। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्राफलाः क्रियाः। नार्य, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, नार्य मीन्स नारी, महिला, स्त्री। जहां पर स्त्रियों की पूजा नहीं होती है या स्त्रियों को सम्मान नहीं मिलता है, वहां पर देवता भी निवास नहीं करते हैं। जहां पर स्त्रियों की, क्या कहा गया है श्लोक में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं, और जहां पर स्त्रियों की पूजा नहीं की जाती है वहां पर कोई भी काम सफल नहीं होता है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो हमेशा महिलाओं की, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है, सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्र शणेते मम बांधवा। सत्य रूपी माता, ज्ञान रूपी पिता, धर्म रूपी भाई, दया रूपी मित्र, शांति रूपी पत्नी और क्षमा रूपी पुत्र, ये 6 मेरे परिवार के मित्र हैं या मेरे पारिवारिक मित्र हैं। कैसे? सत्य रूपी माता, माता ऐसी होना चाहिए जो हमेशा सत्य बोले, तो सत्य जैसी माता। और ज्ञान, पिता में ज्ञान का भंडार रहता है तो पिता जो हमें सही ज्ञान दे सके। धर्म रूपी भाई, भाई जो हमें धर्म समझा सके, हमारा धर्म क्या है। दया रूपी मित्र, और मित्र ऐसा जो हमें दयालुता समझा सके। शांति रूपी पत्नी, पत्नी ऐसी जो हमें गुस्से में शांत कर सके। और क्षमा रूपी पुत्र, पुत्र ऐसा जो क्षमा कर सके या जिसे हम क्षमा कर सके। ये 6 मेरे पारिवारिक मित्र हैं। नेक्स्ट श्लोक पर आइए, वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, एकच चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा गणापि। वरमेको गुणी पुत्रो, एक गुणी पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। यदि किसी का एक पुत्र है और वो भी गुणवान है, संस्कारी है, तो चाहे उनके उनका एक ही बेटा है, लेकिन वो भी 100 जो मूर्ख बेटे होते हैं उनकी अपेक्षा वह एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ होता है। वैसे ही जैसे एक चंद्रमा पूरी रात के अंधियारे को खत्म कर देता है, न कि तारे। तारे कितने रहते हैं? तारे हजारों, लाखों, अनगिनत तारे होते हैं, लेकिन अगर आकाश में चंद्रमा नहीं है तो रात का अंधकार दूर नहीं हो सकता। सिर्फ तारे मिलकर उजाला नहीं कर सकते, जबकि सिर्फ अकेला चंद्रमा पूरी रात का अंधकार दूर कर देता है। उसी तरह एक गुणी पुत्र 100 मूर्ख पुत्रों से श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट श्लोक पर आइए, नेक्स्ट एंड लास्ट श्लोक है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीड़नम्। 18 पुराण कितने होते हैं? 18। तो 18 जो पुराण है उसमें व्यास जी के सिर्फ 2 वचन महत्वपूर्ण हैं। पूरे 18 पुराण लिखे हुए हैं,
पुस्तकें बुक्स लिखी हुई है उसमें से सिर्फ व्यास जी के दो वचन ही महत्वपूर्ण हैं। क्या वे दो वचन, मतलब पूरे जितने भी पुराण है ना उन सभी पुराणों का सार उन दो वचनों में आ जाता है। वे दो वचन क्या है? दूसरों का उपकार करने से पुण्य होता है, परोपकाराय पुण्याय। मीन्स परोपकार ने दूसरों के लिए उपकार करना, तो दूसरों का यदि हम उपकार करेंगे तो पुण्य होता है और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से पाप मिलता है। ये बस दो वचन को ध्यान में रखना है कि हम दूसरों का उपकार करेंगे तो हमारा पुण्य बढ़ेगा और यदि हम दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे तो पाप में वृद्धि होगी। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।